दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि कई लोग जानते भी हैं और कई लोग नहीं जानते हैं। आज इस वीडियो में मैं ये जो ट्यूटोरियल आपको बताने वाला हूँ ये ट्यूटोरियल बहुत ही काम का है आप सभी के लिए, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी वॉइस को भी कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर को रिकॉर्ड करते हुए वीडियोस कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ हम एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये तो एक बात हुई कि हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं साउंड के साथ में, दूसरा हम ये बात करेंगे कि हम किसी मीटिंग को या किसी भी चीज़ को उसके वॉइस के साथ कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप कोई मीटिंग में हैं और आप कुछ समय के लिए उस मीटिंग को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं बट आप चाहते हैं कि आप बाद में उस मीटिंग को देख सकें, तो आप उस मीटिंग को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके साउंड के साथ में, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल में। तो आइए शुरू करते हैं ये ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपका क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहां पर टाइप करना है ओकैम। तो आपको टाइप करना है ओकैम, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग को करने के लिए, और ये इतना इजी सॉफ्टवेयर है कि इसे कोई भी इजीली हैंडल कर सकता है। और इसके अंदर दोनों तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, इंटरनल माइक के थ्रू भी और एक्सटर्नल माइक के थ्रू भी। जब आप अपना खुद का कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं स्क्रीन पर वर्क करते हुए आपके साउंड के साथ में, तो आपको एक्सटर्नल माइक के थ्रू रिकॉर्ड करना होता है। और जब आप कोई मीटिंग या किसी और वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्ले हो रहा है, जिसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ऑटोमेटिकली, वो जो रिकॉर्ड होता है वो इंटरनल माइक के थ्रू रिकॉर्ड होता है। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एक्सटर्नल माइक और इंटरनल माइक क्या होता है। इंटरनल माइक इंटरनली जो वीडियो प्ले हो रहा है, जो भी चीज़ प्ले हो रही है, वर्क हो रहा है कंप्यूटर के ऊपर, उसकी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। और जो एक्सटर्नल माइक रहता है वो आपकी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। जैसे आप कोई वीडियो बना रहे, जैसे मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे जो भी बोलना है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। जब मैं इस कंप्यूटर स्क्रीन को भी साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो किस चीज़ से हो सकता है, एक्सटर्नल माइक से हो सकता है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। तो आपको सबसे पहले ये जो फर्स्ट लिंक दिखाई दे रही है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डाउनलोड के दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका साइज देख सकते हैं 9.71 MB। तो बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। अगर आप ओकैम यहाँ सीनेट से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। ये देखिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ गया है डाउनलोड करने का। 2.53 MB का सिर्फ ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको आप जरूर यूज करके देखिए। ये बहुत ईजी है, किसी भी तरह के विंडोज के साथ में चलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही कम स्पेसिफिकेशन इसकी रिकमेंडेड है, पेंटियम 4 2.5 GHz मेमोरी, 1 GB रैम, VGA OS 2003 Vista 7, 8, 10, लाइसेंस फ्री फॉर होम यूजर ऑनली। अब जैसा कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया है हमारा, ये रहा हमारे सॉफ्टवेयर OS सॉफ्ट, इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये पहले से ही इंस्टॉल करके रखा हुआ है, मैं आपको इसका इंटरफेस अब दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका इंटरफेस है, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, गेम रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तीनों तरह की रिकॉर्डिंग हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी खुद की रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे ये हो रही है इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। यहाँ पे स्टॉप का बटन, पॉज का बटन, कैप्चर का बटन यहाँ पे दिया हुआ है फोटो क्लिक करने के लिए, अगर आप कुछ बीच में कुछ कैप्चर करना चाहते हैं तो। हालांकि जब आप इसको यूज करेंगे तो इसके कुछ स्क्रीन्स भी आपको दिखाई देंगे, जैसा कि मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि ये क्या क्या काम करता है। ऐसे मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ क्योंकि ये मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है।
जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर जाते हैं। ये रिकॉर्ड का बटन है, जब आपको रिकॉर्डिंग शुरू करनी है तब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये रिसाइज का बटन है, इस रिसाइज के बटन में अलग अलग साइज की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है। आपको जब भी कोई वीडियो या कुछ रिकॉर्ड करना है अपने स्क्रीन को तो आप कुछ पर्टिकुलर एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फुल स्क्रीन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ तो फुल स्क्रीन करके रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो इस तरह का जो बैक एरिया जो रहता है वो आपका सिलेक्ट हो जाता है फुल स्क्रीन के लिए। यहाँ से जब आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये ओपन फोल्डर का ऑप्शन है, जहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग सेव होती है वहाँ पे आप जाके इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ साउंड के ऊपर जब आप जाते हैं, जब आप साउंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देता है, एक डू नॉट रिकॉर्ड साउंड और दूसरा रहता है साउंड रिकॉर्ड फ्रॉम इंटरनल माइक। ये दो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट रहते हैं। तीसरा ऑप्शन कब आता है, जब आप अपने सिस्टम में हेडफोन्स लगाते हैं तो एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन आता है, क्योंकि आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो इंटरनल माइक होता है वो आपका साउंड प्ले करता है किसी भी चीज़ के लिए, वो तो रहता ही है, साथ में एक्सटर्नल माइक आप लगाते हैं जिससे आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि आपके जो लैपटॉप होता है उसके अंदर इंटरनल माइक होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके जो लैपटॉप होता है उसके अंदर एक इंटरनल माइक और एक स्पीकर होता है, तो इंटरनल माइक का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ जाता है। एक्सटर्नल माइक जब आप अलग से हेडफोन यूज करते हैं तो इसके अंदर एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन आता है। जब आप कोई मीटिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या कोई वीडियो जो प्ले हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको इंटरनल माइक का ऑप्शन यूज करना है, और जब आप खुद की वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं व्हाइल मेकिंग अ वीडियो तो आपको एक्सटर्नल माइक का यूज करना है। आप इंटरनल माइक का भी यूज कर सकते हैं उस समय पर, बट आपकी आवाज जो है वो डिस्टेंस होने की वजह से प्रॉपर नहीं आएगी, बट एक्सटर्नल माइक से जो आपका माइक रहेगा वो हेडफोन के थ्रू आपके पास में रहेगा तो जो आपकी आवाज रहेगी वो एकदम परफेक्ट आएगी। तो ये इसका इंटरफेस था जो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे ये मेन जो आपके ऑप्शन से दिए हैं इसमें सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन है, और अगर आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं तो उसको भी रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर है। अब मैं आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन देके बता देता हूँ कि अगर हमको कोई मीटिंग रिकॉर्ड करनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी गूगल मीट को आपको रिकॉर्ड करके बताता हूँ, जिससे आपको पता पड़ जाए कि मीटिंग कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ये माइक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये, मैं आपको इसकी सेटिंग बता देता हूँ। माइक्रोफोन डिफॉल्ट इंटरनल माइक, तो मैं ये डिफॉल्ट इंटरनल माइक को चेंज करके यहाँ पे हेडसेट माइक्रोफोन कर देता हूँ। ये आपको रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी करना है ओकेम के अंदर, तो जो आपका माइक रहेगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंटरनल माइक या फिर हेडसेट माइक, और स्पीकर भी यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी इस मीटिंग में हूँ तो यहाँ पे मैंने स्पीकर को भी एज अ हेडफोन रखा हुआ है ताकि मुझे जो सुनाई दे वो हेडफोन के अंदर सुनाई दे, वो मैंने डन कर दिया है। अब ये जो आप देख रहे हैं कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैं अपने दूसरे डिवाइस में इंसर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे कि ये मीटिंग जो है ये रिकॉर्ड हो रही है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। मैं आपको प्ले करके भी बताऊंगा कि ये मीटिंग रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अगर मैं कुछ प्रेजेंट करता हूँ, यहाँ से देख लीजिए ये क्रोम टैब से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने ये जो इसकी स्क्रीन थी वेबसाइट की उसी को ही मैंने प्रेजेंट कर दिया है, यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट होने लग गई है, देख लीजिए ये प्रेजेंट हो रही है, ये स्क्रीन यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मेरे मीट पे वापस जाता हूँ, यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो मीटिंग हमने करी ये रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको पहले स्टॉप कर देता हूँ ताकि आपको पता पड़े कि ये कैसे वर्क करता है। अब जैसा कि मैंने उसे स्टॉप करा है तो वो जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हुई होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो
फोल्डर ऑप्शन होता है, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे रिकॉर्ड होने के बाद में, तो ये आपको बताएगा कि आपकी मीटिंग जहाँ पे रिकॉर्ड हुई है ये वहाँ पे आपको खुद ब खुद लेके चला जाएगा। तो हम वहाँ जाते हैं जहाँ पे मीटिंग रिकॉर्ड हुई है। अभी आप देख सकते हैं ये मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग से जो यहाँ पे रिकॉर्ड हुई, और ये मेरी जस्ट अभी रिसेंट रिकॉर्डिंग है जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई है। तो अब मैं इसको आपको प्ले करके बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पे प्ले हो रही है। ये चीज को उसके वॉइस जो प्ले हो रहा है, जो भी चीज प्ले हो रही है वह थोड़ा कंप्यूटर की उसकी मेमोरी 1 GB रैम, यहाँ पे स्टॉप का बटन आपका सिलेक्ट हो जाए लैपटॉप में या डेस्कटॉप, तो आपको इंटरनल माइक को। अब मैं आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे के बता देता हूँ कि अगर हम स्पीकर भी यहाँ पे, तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही फास्ट और बहुत ही इजी तरीके से वर्क करता है, और आप सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना कोई डिफिकल्टी के, बिना कोई एडवांस सेटिंग करे। ये आपकी पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा और प्रॉपरली आपके स्क्रीन के पिक्सल्स और ये सब जो है ये प्रॉपरली दिखाई देंगे, साउंड भी एकदम क्लियरली रिकॉर्ड करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और ये आपको काफ़ी मदद कर सकता है आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए, साथ ही साथ आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, साथ ही साथ आपकी मीटिंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको मीटिंग रिकॉर्ड करनी जो आप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं या जो आप बाद में भी ध्यान रखना चाहते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत काम आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे और वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें, और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो, अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ में जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है, और मेरे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे एट होम।